तेरहवां पारा आज हमने आधा पढ़ा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बरात कर ली, यानी उन्होंने जब अपने करैक्टर और किरदार के बारे में लोगों को तसल्ली दिला दी कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो जब बादशाह ने उनको बुलाया था वो नहीं आए थे उस वक्त, और कहा था कि पहले मेरे किरदार के ऊपर आप उन लोगों से पूछ लो फिर मैं आऊंगा। और आज हमने बड़ा वमा उबर रियो नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, मैं अपने आप को बरी नहीं कहता, पाक नहीं कहता, नफ्स तो बुराइयों पर उभरता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, वही नफ्स बुराइयों से बचेगा जिस पे मेरा रब रहम फरमाएगा। दुआ करें अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। और कलाम मुकद्दस में अल्लाह ने नफ्स की तीन किस्में बयान की हैं, ये है नफ्स अम्मारा, सूरतुल कयामा में हम पढ़ेंगे नफ्स लवामा, और सूरतुल फजर पारा 30 में जाकर पढ़ेंगे नफ्स मुतमइन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका नफ्सन मुतमइन्नतन बिका तुमिनु बिलिकाइक व तरदा बिकदाइक। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं, अल्लाह हम तुझसे ऐसा नफ्स मांग रहे हैं जो तेरी जात से मुतमइन हो जाए, जुड़ जाए तेरी जात से, और जो तुझसे मुलाकात का यकीन रखने वाला नफ्स हो, और अल्लाह जो तेरी कजा और फैसले पर राजी होने वाला नफ्स हो। अल्लाह हमें ऐसे नफूस बनाए। अल्लाहुम्मा जल नफूसना नफूसन मुतमइन्ना। अब बादशाह ने कहा अब तो लेके आओ उसको। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चूंकि ख्वाब की रोशनी में सब कुछ उनको मालूम था मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, चूंकि यूसुफ भी मामूली इंसान नहीं थे, अल्लाह के पैगंबर और उसके नबी, उन्होंने बादशाह से कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज, ये जो जमीन के खजाने हैं, जो खजाने की वजारत है, ये तुम मेरे हवाले कर दो। मेरे पास दो क्वालिटी है, मेरे अंदर दो खूबियां हैं, या मेरे पास दो डिग्रियां हैं। इन्नी हफीज़ुन अलीम, एक को मैं हफीज हूं, दयानतदार हूं, ऑनेस्ट, और दूसरा मैं अलीम हूं, जो कुर्सी तुझसे मांग रहा हूं उसका हक अदा करना मैं जानता हूं। और दीन इस्लाम ने भी यही कहा, पैगंबर की हदीस साहब अलैहिस्सलाम से बुरा रावी हैं, इज़ा वुस्सिद अल-अम्र इला गैरिही, जब देखो कुर्सी पर नालायक लोग बैठ गए हैं, फंतज़िर सा क़यामत का इंतजार करो। हदीस के अल्फाज हफीज़ुन अलीम, ये दो सिफात हैं, ठीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब हफीज भी बनाए और अलीम भी बनाए। अंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम इलाके में कहत पड़ गया, वह जा लोग आ रहे हैं दूर दराज से गल्ला लेने के लिए। इसी असना और आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी पहुंच आए, फदखलु अलैहि फअरफहुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखते ही पहचान गए, वहुम लहू मुनकिरून, वो नहीं जान सके। तब उनके लिए सामान तैयार करवाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वो जो काम करने पर लोग थे उनको कहा इनकी पेमेंट इनके सामान में वापस डाल दें, और उनसे पूछा कि आपका एक भाई भी है, अब उसको साथ लेकर नहीं आए, अब के बार जब भी आना दोबारा भाई को साथ लेके आना, देखो मैं बड़ा खूबसूरत इंसान हूं, क्या तुम्हारी खातर तवाज़ो की, मैंने ज़ियाफ़त की, मेहमानी की, तुम्हें इज्जत और तौकीर दी है, याद रखो भाई को लेकर आओगे तो ठीक है, अगर भाई को नहीं लेके आओगे तुम्हें मेरे करीब भी नहीं आने दिया जाएगा। भाई ने कहा ठीक है, हम अब्बा से मशवरा करेंगे इंशाल्लाह, देखो क्या होता है, लेकिन हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम भाई को लेकर आ जाए। जब घर गए बाप से जाकर यही बात कही, अब्बा हुजूर बादशाह ने गल्ला देना मना कर दिया है, भाई को साथ लेकर आओगे तब आपको गल्ला मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो वालिद ने सीधा सीधा कहा हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीही मिन कब्ल, मैं फिर से तुम पर एतमाद करूं जिस तरह यूसुफ के बारे में एतमाद किया था, हो नहीं सकता मैं बेटा नहीं भेजूंगा।
है, अपना सामान वगैरह खोला, देखा पेमेंट उसके अंदर थी। अब क्या करें, कहत साली है, गल्ला नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मजबूर हो गए वालिद। वालिद ने कहा देखो एक बात ध्यान रखना, लन उरसिलहु माअकुम बिन यमीन, जो यूसुफ का भाई छोटा भाई है, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, हत्ता तूनी मौसिकम मिनल्लाहि लतअतुन्नी बिही, मुझे अल्लाह के नाम का पक्का अहद दो कि तुम इसको वापस जरूर लेकर आओगे, इल्ला ये कि किसी आफत का शिकार हो जाओ, किसी मुसीबत का शिकार हो जाओ। लेकिन एक बात कही, बेटा देखो सब इकट्ठे एक ही दरवाजे से न जाना, मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। मुफस्सरीन ने लिखा शायद याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल था कि बेटों को नजर न लग जाए। अल्लाह, अब दोबारा फिर गए, पहला सफर है, अब ये दूसरा सफर है भाइयों का, सीधे गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। आओ इलैहि अखाकुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई को अकेले में बनाया और उसको बता दे इन्नी अना अखूका, मैं तेरा भाई हूँ, फला तब्तैस बिमा कानू यअमलून, अभी जो कुछ होने वाला है इस पर परेशान ना होना। जब दोबारा से उन लोगों का सामान भर दिया, जब काफिला निकला तो पीछे से आवाज आई, अय्यतुहल अईर इन्नकुम लसारिकुन, ओ काफले वालों तुम चोर हो। कालू अकबल वाले ही माजा तफके, तुम भाई क्या गुम हो गया? कालू नफके तो सवाल मलिक, बादशाह का पैमाना गुम हो गया है। और ऐलान भी कर दिया, जो उस प्याले को बरामद करेगा उसको एक ऊंट जितना गल्ला उठा सकता है इतना बोझ गल्ले में, उसको इनाम भी मिलेगा। अब कैद साली के दौरान गल्ला फ्री में मिल रहा है, कौन नहीं छोड़े। वाना भी जहीं देखो, आपको मालूम है भाइयों ने कहा अल्लाह की कसम हम जमीन में फसाद करने के लिए थोड़े आए हैं और नहीं हम चोर हैं। उन्होंने कहा फमा जज़ाउ इन तुम काज़िबीन, अल्लाह अकबर। देखें कुरान, देखो क्या कहता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंदों ने पूछा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो उसको सजा क्या है? तुमने कहा जज़ाउहु मा वुजिदा फी रहलिही फहुवा जज़ाउहु, जिसके सामान में से तुम्हारा सामान बरामद हो गया तो पकड़ लेना उसको। यह सजा खुद भाइयों ने तजवीज की, जज़ाउहु भाइयों को सबक भी सिखाना था क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादतियां की थी। अब जो ही उस थैलों को खोलना शुरू किया और उनके जितने भी कारिंदे थे, पहले भाइयों के थैलों को खोला, बिल आखिर यूसुफ के भाई बिन यमीन के थैले को खोला, उसमें से सामान निकाला। जो ही सामान निकाला तो भाई सामने खड़े बोले यसरिक फकद सरका खुल्लहु मिन कब्ल, इसने अगर चोरी किया ना इसका पहले एक और भी भाई था वो भी चोर था। फसर रहा यूसुफ, यूसुफ सामने खड़े हैं और दिल में पी के कहा पलम युब दिया हम वकाला अंतुम शर्रुम मकाना, इसका मतलब क्या है, जल गई पर बल नहीं गया, तुम वही के वही खड़े हो। दिल ही दिल ने कहा और उन्हें महसूस नहीं होने दिया। क्या कहा, यसरिक फकद सरका अखुल्लहु मिन कबल, इसका भाई भी चोर था। फराउस बिल्ला है वल्लाहु आलम बिमा तसिफून, यूसुफ ने कहा अल्लाह जानता है तुम झूठ बोलते हो, मैं कोई चोरी नहीं। अब क्या करें, कालू या अय्युहल अज़ीज़, अभी थोड़ी देर के बाद फिर पड़े दरखास्त लेकर आने, ए बादशाह सलामत इन्ना लहू अबन शेखन कबीरा, ये जो बंदा आपने पकड़ा इसके वालिद बहुत ही बूढ़े इंसान हैं और वो इसके बगैर रह नहीं सकते, हम आपसे एक दरखास्त करते हैं, फखुद अहदना मकानहु, आप हम में से किसी एक को इसकी जगह पर गिरफ्तार कर लो, इसको छोड़ दो, हो नहीं सकता ऐसे कैसे हो सकता है, मुजरिम को छोड़ दें बड़ी शख्स को पकड़ लें, इतना ये जुल्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब मायूस होकर क्या करें, कौल कबीर हो, कल मैंने आपको कहा था ना बड़ा भाई, जो बड़ा भाई होता है ना वो जिम्मेदार होता है, यहां तक मैं भी अपने भाइयों बहनों में से बड़ा हूं, आप में से भी लोग यहां बड़े बैठे होंगे। होता क्या है, बड़ा भाई छोटे भाई जब इकट्ठे होते हैं अम्मा और अब्बा सबसे ज्यादा सख्ती किस पर करते हैं, बड़े भाई पर,
तुम्हारे अच्छा नहीं करते, वो देखो पीछे बोलते नहीं करते, करते हैं करते हैं करते हैं सफर करते हैं, ठीक है, और पूछते हैं कि आपकी मौजूदगी में ऐसा कैसे हो गया। कौला कबीर हम बड़े भाई ने कहा, देखो लन अब्रह अल-अर्ध, मैं यहां से जा नहीं सकता, मैं अपने वालिद को फेस नहीं कर सकता। आपको पता है तुमने यूसुफ के मामले में भी अपने वालिद के साथ क्या किया था, मैं नहीं जाऊंगा, तुम खुद जाओ, जाकर वालिद को जाकर बताओ बेटे के साथ ये हुआ ये हुआ ये। अब निकले ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, सीधे जा रहे हैं अपने वालिद के पास, बड़ा भाई नहीं गया, वो तो रुक गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाकर कहा, अब्बा हुजूर बेटे ने चोरी कर ली, हमें क्या पता था हमारा भाई ऐसा काम कर देगा, हमें पता ही नहीं चला। यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात की, قال بل سولت لكم انفسكم امرا, तुमने दोबारा मेरे साथ कुछ ना कुछ कर दिया, दूसरे बेटे को भी तुमने जाया कर दिया, فصبر جميل, मेरे लिए सब्र बेहतर। देखो वालिद हो तो ऐसा सबर तो देखो उस अल्लाह के वली का, उस अल्लाह के नबी का, वल्लाह असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीया, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह मेरे सारे बेटों को लेकर आएगा, पहले एक बेटा गया था अब तीन चले गए। यूसुफ पहले ही चला गया, बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया, तीसरा बेटा बड़ा भाई आएगा। अल्लाह बहुत ही सदमा और गमगीन आलम है इस मकाम पर, वह तवल्ला وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस खबर को सुनकर अपने बच्चों से उठे और कहने लगे, हाय यूसुफ, यूसुफ ही यूसुफ, ज़ुबान पर यूसुफ का विर्द है याकूब अलैहिस्सलाम, وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, अल्लाह का कुरान कहता है जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम की यूसुफ के दुख की वजह से आंखें सफेद हो गई थी, और वो कदीम और वो गुस्से और गम से और सदमे से भरे हुए थे। कालू तल्लाह, घर वालों ने कहा अल्लाह की कसम, तफ्ताओ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरदन व तकूना मिनल हालिकीन, अब्बा हुजूर यूसुफ कितना क्यों याद करते, आप सठिया जाओगे, आप मौत से दोजार हो जाओगे। बड़ी मशहूर दुआ है याकूब अलैहिस्सलाम, قال انما اشكو بثي وحزني الى الله, मैं अपने गम आलम की फरियाद अल्लाह से कर रहा, وعالم من الله ما لا تعلمون, घर वालों मैं अल्लाह को जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अब ठंडी सांस लेकर बच्चों को कहा, या बनैय अधबू, मेरे बच्चों यहां क्या करो, निकलो जाओ, फतह हससू में यूसुफा वाखी, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, मुझसे नहीं रहा जा सकता, पहले एक बेटे का सदमा था, दो बेटे का था, अब अंदाजा लगाओ ना घर के अंदर की हालत हो क्या सूरत हाल होती। اذهبوا جاؤوا فتحسسوا من يوسف باقي ولا تيأسوا من روح الله, بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون, اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخل, اب یہ تیسرا چکر ہے, یہ تیسرا سفر, اب پھر بھائی آگے اللہ اکبر سننے والی بات, قالوا یا ایها العزیز مسنا واهلنا الضر, ए बादशाह सलामत, ए अजीज़े मिस्र, हम और हमारी फैमिली शदीद मुश्किलात का शिकार, वजीना बिबिदाअतिन मुज्जात, हम सोच रहे हैं कि गल्ला ले तो पैसे ही नहीं हमारे पास, पेमेंट ही नहीं है, बड़ी हकीर सी पेमेंट लेकर आए, फाउफिलनल कैल, अब देखिए गुनाह इंसान को कहां लेकर जाता है, इस बात को आप समझो, गुनाह कहां लेकर जाता है, फाउफिलन अलकैल, ए बादशाह सलामत हमें गल्ला पूरा देना, पेमेंट की फिक्र ना करना, बाद में हम देते रहेंगे, वतसद्दक अलैना, और हम पे सदका नहीं करना, हम पे खैरात नहीं करना। बाद मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा यह लिखा कि हमारे पास पैसे बहुत कम हैं, आप पैसे की फिक्र ना करना, हम देते रहेंगे और आप हमें गल्ला पूरा देना, और दूसरा हमारे भाई को रिहाई देकर हम पे सबका और खैरात करना, भाई की रिहाई की दरखास्त। अल्लाह को متصدق علينا, ऊपर से कह रहे हैं ان الله يجزي المتصدقين, बादशाह सलामत अल्लाह सदका और खैरात करने वालों को जजा भी देता है। अब समझा दे,
अब यूसुफ से रहा ना गया, कितना कितना बर्दाश्त करोगे? जब उन्होंने कह दिया कि हमारी फैमिली शदीद मुश्किलात से दो चार है, तो यूसुफ की फैमिली कौन है और उनकी फैमिली कौन है? अब यूसुफ से रहा ना गया, फरमाया हल अलिमतुम मा फअलतुम बियूसुफ वअखीही मिन क़ब्ल इन अंतुम जाहिलून, पता है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया जब तुम जाहिल थे? उनके पांव से जैसे किसी ने जमीन को खींच लिया हो। قالوا انك انت يوسف اب يوسف هو قال انا يوسف میں ہی یوسف ہوں وهذا اخي اور یہ میرا بھائی قد من الله علينا اللہ نے ہم پر احسان کیا انه من يتق ويصبر سنو یہ سورۃ یوسف کا پیغام ہے یہ سمری ہے انه من يتق ويصبر جو شخص دین پر قائم رہے گا تقوی کرے گا اور صبر کرے گا انتظار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے انشاءاللہ یہ لوگ باقی رہتے ہیں یہ لوگ دنیا کے اندر نشان چھوڑ کے جاتے ہیں قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ جیت گئے ہم ہار گئے فَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ سبحان اللہ بادشاہ ہے عزیز مصر ہے جناب یوسف علیہ السلام فرمایا لا تثریب علیکم اليوم جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں معاف کر دیا پیغمبر بھی تو معاف کیا ان حقوں میں کمی سی حاضر یہ میرا کرتا لے کر جاؤ یہ کرتا پوری سورہ میں ہمارے ساتھ چلتا رہا یہ وہی کرتا ہے جب بھیڑیے نے اتار کر اس کو کھایا تھا پھر یہ وہی کرتا ہے جب وہ عورت کے ساتھ مسئلہ ہوا کرتے کو دیکھو آگے سے پھٹا ہوا یا پیچھے سے پھٹا ہوا پھر یہ وہی کرتا ہے اللہ اکبر کہ آج فرمایا اذهبوا بقميصي هذا میری قمیص لے کر جاؤ فالقاه على وجه ابي میرے والد کے چہرے پہ اس قمیص کو لگانا فتبت بصيرا تو کی روشنی واپس آ جائے گی وہ پینا ہو جائیں گے ادھر سے جب قافلہ لے کر نکلا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کو قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون گھر والوں سے کہا مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم ابا حضور آپ پرانی باتیں کریں کہاں یوسف سالوں سال گزر گئے پتہ نہیں کہاں ہو جب وہ کرتا لے کر آئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کرتا یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالا اور روشنی واپس آ گئی بچوں نے کہا ابا حضور استغفر لنا ربنا ابا اللہ سے آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں انا کنا خاطئین ہم سے غلطی ہو گئی تھی اللہ اکبر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا باپ ہے ہم جیسا کوئی ہوتا نا پہلے سب کو ٹھیک کرتا ایسا ہی کبھی نہ چلتا کبھی نہ چھوڑا انہوں نے کیا کہا سوف استغفر لکم بچوں پریشان نہ ہونا میں اللہ سے تم سے ضرور معافی مانگوں اور حکم دیا پوری فیملی کو لے کر آؤ اب یہ کنعان کی سرزمین سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی پوری فیملی سمیت واپس گئے وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور وہاں انہوں نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا تخت پر مسند پر اور سارے بھائی سامنے سجدہ ریز ہوں گے فرمایا ابا حضور میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا یہ آج اللہ نے میرے خواب کی تکمیل کی کل ہم نے کیا پڑھا تھا جب ان کو کنویں میں پھینکا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی تھی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ایک وقت آئے گا بھائیوں کو تم بتاؤ گے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ بھول چکے ہوں گے وہ وقت اللہ نے تمہارا لایا ہے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه من قبل دونوں آیتوں کو ملائیں بات سمجھ آ جائے گی اللہ سے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ذہن میں رکھنا بولتے ہیں دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے ہم بولتے ہیں ہم آرام سے گھر میں بیٹھے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہ ہو دین غالب ہو جائے ایسے نہیں ہوگا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ ہوئی انہوں نے زندگی کے مختلف نشیب و فراز دیکھے ہجرتیں کی جہاد کیے اللہ کے لیے مشکلات پر برداشت کی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ انسان کو اللہ معراج کرواتا ہے بلندی پر لے کر جاتا ہے اس سے پہلے اس کو مٹی کے اندر گھومنا پڑتا ہے مسائل تکالیف
پریشانیاں کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہو من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے, اور جب دین پر ہم عمل کریں گے اصل معنوں میں, حقیقی معنوں میں, پھر اس راستے میں مشکلات بھی آئیں گی, اس مشکلات پر اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو, کتنی ہی تاریک اور اندھیری کیوں نہ ہو, سفیدہ یعنی اجالا اور صبح ضرور آتا ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں تقویٰ اور صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے. جب تک اللہ مل جائیں, برابر ہو جائیں قدم سے قدم, کندھے سے کندھا ملا لیں, سبسڈی فرما لیں ان شاء اللہ, آج تک رات ہے کروڑ کے بدلا ان شاء اللہ, ٹھیک ہے. اللہ اکبر.